आ गए। आपको बता दें कि विसावलाल का मंत्री बनने के बाद उमरेख जिले में प्रथम आगमन हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह का आज उमरिया जिले में प्रथम आगमन हुआ। उमरिया जिले में उनका जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री बिसाहूलाल ने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने पर कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में स्थापित होने के बाद अपने वचन पत्र में दिए गए वादे को पूरा नहीं कर सके, जिससे उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कि हम विधायकों ने बार बार कमलनाथ जी को वचन पत्र के मुताबिक काम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिससे विधायकों को पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा। कांग्रेस पार्टी जो वादा गरीबों के लिए किया, हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनने के पहले किसानों से वादा किया कि आपके 2 लाख तक का देगा। हम लोगों ने महिलाओं से भी वादा किया कि आपकी अगर बच्ची की शादी होगा तो करीब 51,000 रुपये देंगे। हम लोगों ने शिक्षित बेरोजगारों से भी वादा किया कि अगर जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगा तब तक 4,000 रुपये बेरोजगारी। हम लोगों ने असहाय विधवाओं से भी वादा किया था कि आपको जो सहायता मिलती है उसको 1,000 रुपये तक मिलेगी। आदिवासी हरिजनों से भी वादा किया था कि जिस जमीन के आप काबिजों का पट्टा, इस तरह के तमाम वादे जो हम लोगों ने किसानों के लिए किया, गरीबों के लिए किया, इन सबको पूरा नहीं हो रहा था। तो बार बार हम लोग मुख्यमंत्री से कह रहे थे भाई ये वादा पूरा कर, जब वो नहीं किया तो बाकी लोग सब लोग पार्टी फोन के आ रहे थे। देखिए सही टाइगर अगर पेंशन जाए तो दिग्विजय सिंह, क्योंकि कमलनाथ को खा गया था।